तो भाइयों कैसे आप लोग, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रॉपर्टी रेजिडेंस यार। दोस्तों सामने हो रही है आपकी विला की कंस्ट्रक्शन। ये है आपकी विला, ये आपकी मेन रोड जो कट करी सेक्टर 10 वैतपुरा से, और इधर आपकी निकल जा रही है सदलापुर के लिए। सामने है आपका विला जो आप देख रहे हैं, ये आपका बन रहा है कॉमर्शियल, कॉमर्शियल के ऊपर आपका क्लब हाउस। तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं एक बार विला और विला की साइड और दिखाते हैं कुछ आ जाइए। ये हमारा है क्लब हाउस, ये नीचे आपका पूरा कॉमर्शियल रहेगा। ये गार्ड भैया हैं, सिक्योरिटी गार्ड की पूरी सुविधा है यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी 28 फीट की मेन ब्लैक रोड रहेगी जो साइड में प्रिंट करेगी 28 फीट की, ठीक है। और ये हमारा रहेगा नीचे कॉमर्शियल रहेगा, ऊपर हमारा क्लब हाउस रहेगा। क्लब हाउस में आपको यहाँ पर आपको वेन्यू, क्लब, जिम, ये आपको सारी सुविधाएँ यहाँ पर मिल जाएंगी क्लब हाउस में, ठीक है। दोस्तों विला की कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आगे ही साइड में फ्रंट साइड हमारे विला जो है ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अभी इस साइड में विला हमारे चल रहे हैं, ये आप देखते हैं। ये आपके 28 फीट की रोड है, यहाँ पर आपका गोल चक्कर बनेगा, ठीक है। चलिए विला की कंस्ट्रक्शन आपको दिखाता हूँ। तो ये इस तरह की विला की कंस्ट्रक्शन हो रही है। बेस आपका प्रॉपर आपका यहाँ पर बेस डाला जा रहा है विला का, डी पी सी डाल के आपको, ठीक है। 12-12, 15-15 यहाँ पर सरियाँ जो आप देख रहे हैं। तो आपके विला की कंस्ट्रक्शन इस तरह की चल रही है। विला पूरे मजबूत है, हम क्योंकि 2 फ्लोर बना के दे रहे हैं, इसके ऊपर 2 फ्लोर तक आप और कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये वो विला है जो यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। तो चलिए एक बार आपको विला का सैंपल दिखा देते हैं, ये सैंपल किस तरह का है। ये हमारा सैंपल है पूरा विला का, ये विला की साइट है, और ये सैंपल दिखाते हैं एक बार आपको। तो ये हमारी एंट्री रहेगी, ये पूरा आपका लॉबी एरिया रहेगा, इधर सामने LCD पैनल रहेगा इस तरह से। ऊपर पूरे में आपको फॉल सीलिंग डिज़ाइन मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको यू शेप में आ जाएगी आपकी किचन, ये आपकी मॉडुलर किचन आ जाएगी पूरी फिटिंग के साथ में जो आप देख रहे हैं। इधर वेंटिलेशन हो जाएगा विंडो के लिए। पार्किंग आपकी विला की 12 क्योंकि 28 फीट की रोड है, ठीक है। ये आपका लिविंग पे जाने के लिए हो जाएगा, और सामने आपका हो जाएगा ये वाला वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम हो जाएगा, ठीक है। और इधर आपका आ जाएगा फर्स्ट बेडरूम, ये फर्स्ट बेडरूम हो जाएगा इस तरह से आप देख रहे हैं। फॉल्स डिजाइन आपको पूरी विला में मिलेगी, और यहाँ से आपका हो जाएगा हमारा वॉशरूम अटैच, मतलब कॉमन भी हो जाएगा अटैच भी हो जाएगा। इधर LCD पैनल है, इस तरह से लगा के आपको दे रहे हैं। ये इसकी पोस्टिंग अलग से आप लगवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आपको ऊपर लेके चलते हैं एक बार स्टेयर से। स्टेयर से ऊपर आएंगे, सामने आपको लॉबी एरिया मिल जाएगा, ये लॉबी हो जाएगा, और एक बेडरूम आपका इधर हो जाएगा, छोड़ने दो कोई बात। और ये आपका मास्टर बेडरूम हो जाएगा प्रॉपर फॉल्सिंग डिजाइन के साथ में। इधर यहाँ पर वॉशरूम हो जाएगा, ये बालकनी हो जाएगी, चलिए आपको ऊपर रूफ टॉप लेके चलते हैं। रूफ टॉप दिखा देते हैं आपको एक बार, कैसे आप रूफ टॉप से ऊपर आएंगे। यहाँ पर आपको स्टेनलेस की ग्रिल आपको मिलेगी, इधर आपका स्टोर एरिया हो जाएगा। रूफ टॉप पे भी आपको इस तरह से कवर करके दिया जाएगा, ठीक है। 3 BHK ये विला है, डुप्लेक्स विला है, गेटेड सोसाइटी में, 28 फीट की मेन ब्लैक रोड है आपकी, ठीक है। क्लब हाउस है यहाँ पर, जिम है, शॉप्स हैं सोसाइटी की, आगे आपके 2 ग्रीन एरिया हैं, पार्क हैं बच्चों के खेलने के लिए। ये पूरी सोसाइटी है, फ्रंट लुक भी आपका इसका मैं दिखा देता हूँ किस तरह का रहेगा। ये पूरा फ्रंट लुक रहेगा। तो किसी भाई को विला लेना हो, 3 BHK डुप्लेक्स विला, नोएडा सेंसर सेक्टर 10 की लोकेशन पर, तो अभी स्क्रीन पे देख रहे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और एरिया बिल्कुल शांत एंड ग्रीन एरिया आसपास देखते हैं, प्रॉपर हरियाली आपको मिल जाएगी। 20% डाउन पेमेंट, 80% यहाँ पर बैंक लोन है। ये जो सैम्पल मैंने आपको दिखाया था वो आपका 1735 स्क्वायर फीट का सैम्पल था। प्राइस जो है इसका वो है 72 लाख से यहाँ पर आपका विला स्टार्ट होता है। इससे बड़ा साइज भी है, वो आप लेना चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ग्राहक कोई भी प्लॉट, फ्लैट या संपत्ति और कोई अन्य उत्पाद खरीदने से पहले कृपया सभी दस्तावेजों को ध्यान से देखें और अपनी समझ का इस्तेमाल करें, किसी के बहकावे में न आएं। किसी भी तरह के नुकसान, धोखाधड़ी, हानि और लाभ के लिए हमारी प्रॉपर्टी एडवाइजर NCR की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। आप अपनी समझ और सूझबूझ से ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। प्रॉपर्टी एडवाइजर NCR कुलदीप किसी भी तरह के लाभ हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद।